सलाम साहब, आपने बुलाया सुनकर मैं तो एकदम घबरा गया। कल रात को तुम किधर थे? क्या साहब, एक ही सवाल पूछने की आपकी आदत हो गई है क्या? कल रात को जेके सेठ की तिजोरी से 40 लाख रुपए चोरी हो गए। बहुत कमजोर तिजोरी होगी साहब, लेकिन बड़ा तकड़ा हाथ मारा ये चोर साहब ने। अपन तो आज तक 40,000 तक नहीं पहुंच पाए। साहब, ऐसी कोई और तिजोरी होगी क्या? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना अंदर कर दूंगा। भड़क क्यों रहे ले साहब, अपन बता देता है ना, कल रात अपन घर में था। झूठ बोल रहे हो, मैं खुद तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे पड़ोसी इस बात के गवाह है कि तुम रात को घर पर नहीं थे। मेरा मतलब है दूसरा घर साहब, अपन ससुराल में था। ससुराल में? ससुराल? चोर का ससुराल हवालात होता है ना साहब। अब हुआ ये कि कल रात गलती से अपन नाना चौक के घर में ना चोरी करने चला गया, पकड़ लिया आपके भाई बंधु ने साहब, अंदर कर दिया साहब, पूरी रात अंदर रखा। लेकिन छोटी सी चोरी थी ना साहब, इसलिए जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है साहब, चेक कर लीजिए आप। अभी आप ही बताइए, अपन हवालात में रहकर कैसे चोरी कर सकता है? अच्छा रास्ता निकाल लिया तुमने इस चोरी से बचने का। रास्ता वास्ता नहीं साहब, अपन एकदम सच बोलता है, 100% सच। वैसे साहब, याद है अपन आपको बोला था चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है, छोटा सा दहला साहब। तुम्हारे छोटे से दहले का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सच साहब? जा सकते हो तुम यहाँ से। चलता हूँ साहब, सलाम। साहब, नाना चौक पुलिस स्टेशन में फोन करके तो पूछ लीजिए, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। नाय भोसले, उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन इसके झूठे सच को अगर मैंने बेनकाब नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विजय नहीं।